डिनर के लिए मटन की बिरयानी है। इतना नहीं ना, इतना नहीं, चार बस, चार बहुत है। बाकी डिश पे, डिश पे चेकर है, डिश में रात में भाई टिक्के का प्रोग्राम है और ये उसका सामान है। बच्चों की स्लाइड्स और झूले भी हैं। चार लोगों के लिए आगे ले, खाना लग चुका है और बकरे की बिरयानी है। जी जनाब, रबड़ी खीर बहुत जबरदस्त टेस्ट होगा। ये पूरी का वो है आटा है, परांठा और पूरी। कौन सी दाल वाली पूरी है? दाल वाली पूरी और पराठा है। और पराठा, दाल वाली पूरी और पराठा का आटा गूंदा जा रहा है। यहाँ पे अभी टिक्के तैयार होंगे। सारे लक्के हैं, सारे लक्के टिक्के हैं। भाइयों और बहनों, छीन दबा की डमडम, जिसने भी कराना है छीन दबा की डमडम, शकील भाई के पास रजू कर ले। शुक्रिया। शकील भाई के छीन के टपाक से डमडम करने वाले ये पहले नहीं, सबसे पहले छीन टपाक डमडम का आगाज हमारे नवीन साहब ने किया था।
ओए हाथ हिलाओ सारे, ओए हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, चल हाँ सुबह के 5 बज चुके हैं और नाश्ते की तैयारी है। अभी हलवा बनाया, तो चने तैयार हो चुके हैं, मुर्ग चने हैं जी। Guys, today we are here in this beautiful picnic with our co-workers. So long time we have working together, and so this is the day like we enjoy and celebrating this moment, like we are together to enjoy this moment. सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अभी जाने की तैयारी है, बस नाश्ता करके अभी निकलेंगे। नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में कचौरी, मुर्ग छोले और चाय होगी। अच्छा मौसम बना हुआ है, बादल ही बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है। फार्म हाउस बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा है। ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, क्या नाम है आपका? अरसलान नाम है इनका, और बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है इनकी, साफ सुथरी। ये इनका गाड़ी का नंबर है और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कराची में किसी भी जगह ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भाई सुबह का नाश्ता बन रहा है और नाश्ते के लिए लाइन लगी हुई है, और ये दो भाइयों ने बहुत अच्छे से डिनर भी कराया और नाश्ता भी कराया भाई। और भाई ये फैजान और सफदर की बहुत मेहरबानी, इन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया था। सब इन लोगों के साथ भी मजा आया काम करके, और शकील भाई के 11 एजेंसी के साथ भी काम करके मजा ही आ रहा है। लेकिन मलिर के लड़के आप लोगों को पता है जबरदस्त कैसे होते हैं। हम जावेद भाई का रिव्यू लेंगे, कैसा रहा फार्म हाउस? बहुत अच्छा रहा, मौसम ने बहुत खुशगवार था और शकील भाई ने अच्छा इंतजाम किया हुआ था खाने पीने का, जरा सी भी ब्रेक नहीं थी, इतनी वेराइटी रखी हुई थी कि हम थक गए, खा नहीं पा रहे, कुछ घर के लिए भी ले जा रहे हैं। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा एक प्रोग्राम करेंगे, इससे लोग को एंटरटेनमेंट मिले और मूवी का भी प्रोग्राम करेंगे। यहाँ मूवी का प्रोग्राम ही नहीं होता हमेशा। हाँ मूवी सिनेमा सिनेमा पे नहीं जा सकते, तो सिनेमा नेक्स्ट टाइम सिनेमा का कोई प्रोग्राम करेंगे, एंजॉय करें लोग बैठे और सुकून से इत्मीनान से अपना एंजॉय करें। थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू।